सब्सक्राइब करें टर्बनेटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। दोस्तों व्हाट्सएप के फेक मैसेजेस ने बहुत हंगामा किया हुआ था, जो फॉरवर्ड हो रहे थे कई ग्रुप्स में, कई इंडिविजुअल में, चैट्स वगैरह में फॉरवर्ड हो रहे थे। उन फेक मैसेजेस के कारण सरकार ने व्हाट्सएप को चेतावनी दी थी, उनको कहा था कि आप अपने थोड़े रूल्स को बदलिए, और उन रूल्स को बदले कुछ ऐसे रूल्स लाइए जिसके कारण जो ये इंडिया में चल रहा है वो सब रुक सके। अगर आपने आपको नहीं पता इस वीडियो के बारे में तो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका। आज मैं आपसे एक अपडेट के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि व्हाट्सएप की तरफ से है। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टर्बनेटर में। दोस्तों व्हाट्सएप ने एक अपग्रेड किया है अपनी पॉलिसी में। अगर कोई आपको मैसेज सेंड करता है कोई ऐसी वेबसाइट से, जैसे सपोज कीजिए किसी ने आपको लिंक सेंड किया है, वो एक मैलिशियस वेबसाइट थी, वहां पे आप जाएंगे तो बेसिकली एड्स ही एड्स दिखती है या कोई काम की नहीं होती है। जैसे कि आपको मैसेज आ रहा है क्लिक ऑन दिस बटन टू विन एन आईफोन, और आगे आपको वो कहेगा कि आप इसको 10 बंदों को फॉरवर्ड करें तब आप इस कॉम्पिटिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसे मैसेजेस से बचने के लिए व्हाट्सएप ने एक अपडेट जारी किया है जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर कोई ऐसा मैसेज आपको कोई फॉरवर्ड करता है या ग्रुप में फॉरवर्ड करता है तो उसपे सस्पिशियस लिखा आ जाएगा, और उसपे पहले ही रेड कलर में लिखा जाएगा सस्पिशियस, जिससे आपको पता लग सके कि आप अगर इस साइट पे विजिट करेंगे तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा जो शायद आपके कोई मतलब का ना हो, इसलिए वो पहले ही उस लिंक पे सस्पिशियस लिख के दे देगा। उसपे भी अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो उसपे ओके करके दोबारा उस साइट पर जा सकते हैं। दोस्तों ये दूसरा अपग्रेड है वो एक फेक न्यूज की तरह फैल रहा है। जैसे कि अगर हम मैसेज व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करते हैं और जब सेंड हो जाता है तो अगर सिंगल टिक आ रहा है उसका मतलब होता है मैसेज सेंड, अगर डबल टिक शो हो रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि दूसरी तरफ जो जिसको हमने मैसेज सेंड किया है उसने रिसीव कर लिया। अगर दो ब्लू टिक शो होते हैं इसका मतलब दूसरे बंदे ने हमारा मैसेज पढ़ लिया। अब ये फेक न्यूज ये आ रही है कि तीन टिक भी आएंगे जिसमें जो तीसरा टिक होगा वो टिक गवर्नमेंट की तरफ से होगा कि वो चैट गवर्नमेंट पढ़ सके। अगर तीसरा टिक वो रेड कलर का हो गया तो मैसेज जो आपने भेजा है फॉरवर्ड किया है किसी ग्रुप में या किसी इंडिविजुअल को, तो अगर गवर्नमेंट को वो मैसेज ठीक नहीं लगा, उसमें किसी तरह की खराबी या किसी तरह की कुछ उसको गड़बड़ लगी, तो वो उस मैसेज को रेड टिक दे देगा, थर्ड नंबर पे रेड टिक दे देगा, दो ब्लू और एक रेड हो जाएगा जिसके कारण आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और ये न्यूज एक फेक न्यूज है जो कि व्हाट्सएप ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, ये न्यूज ऐसा शायद कभी फ्यूचर में हो भी ना। और दोस्तों जो मैसेज फॉरवर्ड का अपग्रेड था वो भी जल्दी आ जाएगा जिसमें आप सिर्फ 5 ग्रुप्स या इंडिविजुअल को मैसेज सेंड कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर कोई आपके मन में डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे कोई वीडियो को सजेशन देना चाहते हो जिसपे मैं जिस टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे।